जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह है जिसके सिवा किसी की पूजा नहीं, आप जिंदा औरों का कायम रखने वाला। نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل। उसने तुम पर ये सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमा दी और उसने इससे पहले तौरात और इंजील उतारी। من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام। लोगों को राह दिखाती और फैसला उतारा, बेशक वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकिर हुए उनके लिए सख्त अजाब है और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। इन्ना अल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउ फिल अर्द वला फिस समा। अल्लाह पर कुछ छुपा नहीं जमीन में ना आसमान में। والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم। वही है कि तुम्हारी तस्वीर बनाता है माओं के पेट में जैसी चाहे, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं, इज्जत वाला हिकमत वाला। والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب। वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माने रखती हैं, वो किताब की असल है और दूसरी वो है जिनके माने में इश्तबा है, वो जिनके दिलों में कजी है, वो इश्तबाह वाली के पीछे पड़ते हैं गुमराही चाहने और उसका पहलू ढूंढने को, और उसका ठीक पहलू अल्लाह ही को मालूम है, और पुख्ता इल्म वाले कहते हैं हम इस पर ईमान लाए सब हमारे रब के पास है और नसीहत नहीं मानते मगर अकल वाले। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب। اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تُو ہے بڑا دینے والا۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد। اے رب ہمارے بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار। بے
बेशक वो जो काफिर हुए उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह से उन्हें कुछ न बचा सकेंगे और वही दोजख के ईंधन है। كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب। जैसे फिरौन वालों और उनसे अगलों का तरीका, उन्होंने हमारी आयतें झुठलाई तो अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उनको पकड़ा और अल्लाह का अजाब सख्त। قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد। فرما دو کافروں سے کوئی دم چاہتا ہے کہ تم مغلوب ہوگی اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گی اور وہ بہت ہی برا بچھونا। قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। बेशक तुम्हारे लिए निशानी थी दो गिरोहों में जो आपस में भिड़ पड़े, एक जत्था अल्लाह की राह में लड़ता और दूसरा काफिर, कि उन्हें आंखों देखा अपने से दूना समझे और अल्लाह अपनी मदद से जोर देता है जिसे चाहता है, बेशक इसमें अकलमंदों के लिए जरूर देख कर सीखना है। النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। लोगों के लिए आरास्ता की गई इन ख्वाहिशों की मोहब्बत, औरतें और बेटे और तले ऊपर सोने चांदी के ढेर और निशान किए हुए घोड़े और चौपाए और खेती, ये जीती दुनिया की पूंजी है और अल्लाह है जिसके पास अच्छा ठिकाना। للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد। تم فرماؤ क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज बता दूं? परहेजगारों के लिए उनके रब के पास जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवां हमेशा उनमें रहेंगे और सुधरी बीवियां और अल्लाह की खुशनूदी और अल्लाह बंदों को देखता है। الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا। वो जो कहते हैं ऐ रब हमारे हम ईमान लाए, तू हमारे गुनाह माफ कर और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار। सब्र वाले और सच्चे और अदब वाले और राह खुदा में खर्चने वाले और पिछले पहर से माफी मांगने वाले। शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर उसके सिवा किसी की इबादत नहीं इज्जत वाला हिकमत वाला।
الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب बेशक अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है और फूट में न पड़े किताबी, मगर बात इसके कि उन्हें इल्म आ चुका अपने दिलों की जलन से, और जो अल्लाह की आयतों का मुनकिर हो तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ। फिर ऐ महबूब, अगर वो तुमसे हुज्जत करे तो फरमा दो, मैं अपना मुंह अल्लाह के हुजूर झुकाए हूँ, और जो मेरे पैरों हुए और किताबियों और अनपढ़ों से फरमाओ, क्या तुमने गर्दन रखी? बस अगर वो गर्दन रखें जब तो राह पा गए, और अगर मुंह फेरे तो तुम पर तो यही हुक्म पहुँचा देना है, और अल्लाह बंदों को देख रहा है। النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم। वो जो अल्लाह की आयतों से मुनकिर होते और पैगंबरों को नाहक शहीद करते और इंसाफ का हुक्म करने वालों को कत्ल करते हैं, उन्हें खुशखबरी दो दर्दनाक अजाब की। أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين। ये हैं वो जिनके आमाल अगारत गए दुनिया और आखिरत में, और उनका कोई मददगार नहीं। ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون। क्या तुमने उन्हें न देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, किताब अल्लाह की तरफ बुलाए जाते हैं कि वो उनका फैसला करे, फिर उनमें का एक गिरोह इससे रू गर्दा होकर फिर जाता है। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون। ये जो रद्द उन्हें इसलिए हुई कि वो कहते हैं हरगिज हमें आग न छुएगी मगर गिनती के दिनों, और उनके दीन में उन्हें फरेब दिया उस झूठ ने जो बांधते थे। فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ। तो कैसी होगी जब हम उन्हें इकट्ठा करेंगे उस दिन के लिए जिसमें शक नहीं, और हर जान को उसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा। قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير।
अर्ज कर, ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसे चाहे सल्तनत दे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले, और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, सारी भलाई तेरे ही हाथ है, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ हिस्सा रात में डाले और रात का हिस्सा दिन में डाले, और मुर्दा से जिंदा निकाले और जिंदा से मुर्दा निकाले, और जिसे चाहे बेगिनती दे। ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफअल ज़ालिका फलैसा मिन अल्लाह फी शैइन इल्ला منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير। मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त न बना ले मुसलमानों के सिवा, और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ इलाका न रहा मगर ये कि तुम उनसे कुछ डरो, और अल्लाह तुम्हें अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير। तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी की बात छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह को सब मालूम है और जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और हर चीज पर अल्लाह का काबू है। يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد। जिस दिन हर जान ने जो भला काम किया हाजिर पाएगी, और जो बुरा काम किया उम्मीद करेगी काश मुझ में और उसने दूर का फासला होता, और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है, और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है।